तकसीम धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान न वो सिर्फ मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के रहनुमाओं पर भी करारा वार किया और कहा कि कुछ लोग देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार से लेकर ओडिशा तक धुआंधार प्रचार, विपक्ष के खिलाफ योगी का डबल प्रहार, 4 जून वाली ललकार अब पार 400 पार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ओडिशा से बिहार तक विपक्ष को ललकार रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं और हिंदू ओबीसी का हक छीन कर मुस्लिमों को देने पर निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए नियमों को आंख पर रखकर इनको ओबीसी में शामिल किया था, अब ममता के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया है। धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता हाईकोर्ट को, जिसने टीएमसी की सरकार के द्वारा 2010 से लेकर के लगातार मुस्लिमों को ओबीसी की जातियों में जबरन शामिल करके उन्हें ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ करने का एक षड्यंत्र किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टीएमसी के सरकार के इन सभी फैसलों को पलट के कहा कि नहीं, भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंतव्य है वो अंतिम मंतव्य है, हमें उसका संविधान का उस संविधान की उन भावनाओं का पालन करना चाहिए। सीएम योगी ने न सिर्फ मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के रहनुमाओं पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा, कुछ लोग देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। उनके द्वारा जाने अनजाने में ऐसी बातें कही जाती, पाकिस्तान का राग अलापा जाता है। पाकिस्तान के बारे में, भारत के दुश्मनों के बारे में उनका महिमा मंडन के द्वारा किया जाता है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत के दुश्मनों का महिमा मंडन करते हैं, मैं उनसे कहता हूं, वे काई भारत के अंदर बोझा बने हुए, जाओ ना वहीं चले जाओ। अरे भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी अभी भूख से तड़प रही है। 1 किलो आटा के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए आज वे तड़पते हुए दिखाई देते हैं। सीएम योगी का मैसेज विपक्ष के उन नेताओं के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान के पास एटम बम की धमकी दी थी, लेकिन की 2 चरण के वक्त ही वही लोग खामोश हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी न सिर्फ विपक्ष की नीति और नियत को जनता के सामने रख रही है बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अन्य प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की पोल खोलने के लिए रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और मुस्लिम आरक्षण के साथ पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।